सद्दसार, हीयान और महायान या महायान और हीयान। जैसे भारत के अंदर कोई वर्ण नहीं था, यानी संस्कृत भाषा में अगर वर्ण कहें तो वर्ण नहीं था, जब भारत में सिर्फ भारत के मूल निवासी लोग ही रहा करते थे। वर्ण का मतलब या वर्ण का मतलब जो होता है यहाँ रंग होता है, तो भारत में एक ही रंग के लोग थे इसलिए यहाँ कोई विभाजन नहीं था। मगर जब पहाड़ों से उतर के कुछ लोग नीचे आए और उन्हें यहाँ का मौसम बड़ा गर्म लगा, यहाँ का फल और यहाँ का पानी बहुत अच्छा लगा, उन्हें लगा कि ये जो लैंड है ये बहुत बढ़िया है, यहाँ जानवरों की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है, खाने की कमी नहीं है, मौसम गर्म है, तो वो नीचे उतरते चले गए। क्योंकि वो पहाड़ों से आए थे, पहाड़ों पर रहते थे, तो वो लोग बिल्कुल वाइट थे, सफ़ेद थे। तो सफ़ेद क्योंकि रंग उन्होंने पहली बार देखा यहाँ के लोगों ने, तो जिसमें रंग नहा नहीं होता है उसको ए लगा देते हैं, तो उन्होंने ए वर्ण कहा यानी अवर्ण हो गए। वो लोग जो आए थे वो अवर्ण हो गए यानी अवर्ण जिसका कोई रंग नहीं है। और फिर उन्होंने अपने आप को कहना शुरू किया जो यहाँ के लोग थे सुवर्ण। सुवर्ण का मतलब है हय जैसा रंग, जैसे जो रंग होता है हरई का रंग होता है, हरई का मतलब है हिरण भी है, और हरई का मतलब है जो सूरज की किरणें निकलती हैं उनका जो सुबह का रंग होता है वो हरई रंग में आता है यानी कि सुनहरा रंग, और जो गेहूं का रंग होता है उसको भी हरई रंग बोलते हैं। तो ये कनक का रंग, गेहूं का रंग, उगते हुए सूरज का रंग और हिरण का रंग और हिरई का रंग, ये सारे रंग मिलके लगभग एक से थे, उन्होंने इसको सुवर्ण कहते थे। तो ये सुवर्ण वाले लोग हो गए, यहाँ के लोग सुवर्ण हो गए और जो वहाँ के आए थे वो अवर्ण हो गए यानी अवर्ण हो गए। तो इस तरह से विभाजन हुआ। ठीक ऐसे ही भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के 100 साल बाद तक भी एक ही संघ था, ना हीयान था ना महायान था, सिर्फ संघ था। संघ का कोई भी दूसरा नाम नहीं था, सारा बोधि संघ, बौद्ध भिक्खु संघ या जो भगवान बुद्ध का सावक संघ था वही नाम था। मगर 100 साल तक ये ठीक ठाक चलता रहा। जैसा कि भगवान बुद्ध ने अपने परिनिर्वाण के समय अपने असिस्टेंट थे आनंद, उनको कहा था कि अगर भिक्खु संघ कोई छोटे मोटे नियम बदलना चाहे तो वो बदल सकता है। मगर आनंद ये पूछना भूल गए और भगवान ने भी ये नहीं बताया कि कौन से छोटे मोटे नियम हैं जो भिक्खु संघ छोड़ सकता है। तो बात रहस्यमय रही। आदेश तो आ गया कि कोई भी छोटा मोटा नियम है वो छोड़ सकते हैं, मगर कौन से छोड़ सकते हैं ये नहीं पता चल पाया। 100 साल बाद भिक्खु यश को ये पता चला कि जो वज्जी भिक्खु हैं यानी वज्जी क्षेत्र के जो भिक्खु हैं, उन लोगों ने जो वज प्रदेश से आए हुए हैं उन्होंने 10 नियम को छोड़ दिया है या बदल दिया है, यानी कि वो विनय नियम के 10 नियम नहीं मानते। विनय के सारे नियम फिक्स हैं, उनमें से 10 नियम वो नहीं मानते। तो 100 साल बाद काला अशोक सम्राट अशोक के वंशज हैं, उन्होंने एक सभा बुलाई जो दूसरी संगति है। संगति का मतलब है जहाँ सारे भिक्खु और भिक्खुनी इकट्ठे होके धम्म को, संघ को, जो विनय के नियम हैं और जो सुत्तपीटक के नियम हैं, जो अभिधम्म के जितने भी नियम हैं, उन सबका एक तरह से गायन करते हैं। संघ गायन यानी कि संघ गाते हैं और उनको चेक करते हैं कि वो सब ठीक है या नहीं है, कोई बदला तो नहीं है, कोई भूला तो नहीं है, उसको संगति बोलते हैं। तो दूसरी संगति असेंबली उन्होंने लगभग ईसा के मरने से पहले 370 साल पहले यानी उनके बर्थ से 370 साल पहले, तब तक ईसा नहीं आए थे, 370 ईसा पूर्व में ये कराई गई। वज्जी भाग के जो भिक्खु थे वो 223 नियम में से 223 जो विनय के रूल थे उनमें से 10 नियम लगभग छोड़ चुके थे या बदल चुके थे। वज्जी भाग के जो भिक्खु थे वो 227 विनय के नियम और विनय के रूल में से 10 नियम लगभग छोड़ चुके थे, और जो भिक्खुनी थी वो 311 जो नियम उनके थे उनमें से कुछ नियमों में उदेखा देखी उन्होंने भी चेंज करना शुरू किया। वज्जी भाग के भिक्खु और भिक्खुनी
तब ये जो संगति हुई उसमें ये बात तय हुई कि इन्होंने विनय के नियम का जो विनय के नियम है वो नहीं माने हैं और विनय के नियम मानने चाहिए। भिक्कु यस ने स्ट्रिक्टली बहुत जोर से कहा कि अगर धम्म को आगे चलाना है, संघ को आगे चलाना है, तो जैसा भगवान बुद्ध ने नियम बताए हैं वैसा ही मानना चाहिए। वहाँ लगभग स्थिति ऐसा पैदा हुई कि जो बज्जी भाग के भिक्कू थे उन्होंने वो 10 नियम जो छोड़े थे उनको दोबारा से अपनाने के लिए सहमति नहीं दी। तो जो भिक्कू परंपरागत माने जाते थे, जरूर भगवान बुद्ध के 227 नियमों का पालन करते थे और जो भिक्कुणी 311 नियमों का पालन करती थी, उन्हें कहा गया ही यान। यान माने होता है रास्ता और मार्ग, और ही माने होता है निश्चित, यानी कि निश्चित का मतलब है कि सर्टेनली, यानी पहले से ही तय। तो निश्चित का मतलब हो गया यहाँ पे वास्तव में, यानी कि वास्तव में निश्चित ही का मतलब होता है। इसलिए निश्चित किए हुए नियम उन्होंने जो वास्तव में नियम थे वो माने और उनको ही यान कहा गया। ही यान वो लोग हैं जो आज भी 311 नियम भिक्कुणी मानती हैं और 227 नियम भिक्कु मानते हैं। जो बाकी लोग थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, वज्जी भाग के जो भिक्कू आए थे और भिक्कुणी आए थे उनकी संख्या ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने अपने को, चूंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी तो उन्होंने अपने आप को महायान का नाम दिया। महा माने बड़ा हो गया और यान माने रास्ता, यानी वो संख्या में ज़्यादा थे। इसको महासांगिक बोला जाता है, बेसिकली इसका नाम महायान नहीं है, क्योंकि महायान से तो ऐसा लगेगा जैसे रास्ता बड़ा हो गया, कुछ अलग से अलग चीज़ बनाई है। यान तो छोटा हो गया क्योंकि 10 जो नियम थे वो कम हो गए, तो यान तो छोटा हो गया, चुल्ल यान हो गया बेसिकली, मगर वो महासांगिक के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ जो जितना भी साहित्य है उसमें उनको महासांगिक बोला जाता है। महासांगिक का मतलब है जिनका संघ बड़ा है, महा माने बड़ा, संघ माने ज़्यादा संख्या में, तो उनको महासांगिक करके बोला जाता है। तब लगभग दो संघ के दो हिस्से हुए। वो 10 नियम कौन कौन से हैं, उन 10 नियमों को अगर आप जानेंगे, कोई खास नियम नहीं है क्योंकि संघ के बाकी नियम वही चलते हैं और धम्म तो दोनों वही मानते हैं, यानी जो सुत्त पीटक है और जो अभिधम्म पीटक है या जो बुद्ध ने एजुकेशन दी है उसको सब वही फॉलो करते हैं। सिर्फ जो भिक्कुओं के नियम थे उनमें चेंज आया है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि बुद्ध का जो बोधि का जो धम्म का जो नियम है उसमें कोई चेंज नहीं है, चेंज है सिर्फ भिक्कुओं के रहने में और भिक्कुओं को नियम को मानने में। धम्म अपनी जगह वैसा का वैसा हिमालय पर्वत की तरह बिल्कुल अड़ी को टिका हुआ है। तो पहला नियम क्या है? पहला नियम है सिंघी लोण कप। क्या नाम देते हैं इसको? सिंघी लोण कप। यहां हर एक में कप आएगा, कप का मतलब होता है प्रैक्टिस, कप का मतलब होता है प्रैक्टिस, या जो वो व्यवहार में लाते हैं उसको कप बोलते हैं। और सिंघी माने होता है सींग, जो किसी जानवर का सींग होता है उसको हॉर्न बोले या सींग बोलते हैं। और आपने सुना होगा पुरानी भाषा में कहते हैं कि अरे ये खाना तो अलौना है, ये तो साग अलौना है। पुरानी भाषा में माता बहन कहती हैं अरे ये तो जो सब्जी अलौनी है। अलौनी का मतलब है इसमें कोई अलौण, अलौणी है मतलब इसमें कोई लवण नहीं है, इसमें कोई लवण का मतलब है नमक नहीं है। तो यहाँ सिंगी लोण कप का मतलब है कि सींग में लोण माने नमक और कप माने प्रैक्टिस, यानी कि जानवर के सींग में नमक रखने की प्रैक्टिस भिक्कू करते थे। कितना सिंपल है, सिंगी लोण कप, यानी कि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो व्यवहार कर रहे हैं, वो जानवर के सींग में नमक रखने का कर रहे हैं। अब इसमें नियम कौन सा टूटा? ये नियम टूटा इसमें नंबर 37। 37 नंबर इसलिए टूटा क्योंकि ये जो 37वां नंबर है ये है पाचित्य का नियम। पहले से ये समझे पाचित्य नियम क्या है। पाचित्य का मतलब है कि ऐसा अपराध, ऐसा पाप जिसका प्रायश्चित किया जा सके, यानी जब भिक्कू संघ में सारे लोग उपस्थित के लिए भिक्कू बैठते हैं और किसी ने कोई नियम तोड़ा है तो वहां वो बोल देता है कि मैंने ये नियम तोड़ा है, या पूछ लेते हैं किसी ने कोई नियम तोड़ा हो तो बता दे, अगर वो स्वीकार कर लेता है, प्रायश्चित कर लेता है, तो उसको पाचित्य का नियम बोलते हैं। तो 37 नंबर का विनय का नियम टूटा पाचित्य का। क्या नियम था? नियम यह है कि भिक्कू
जो स्वाद है, जो रस है जीभ का, यानी जो जीभ का रस है, उसको नहीं ले सकता। उसने अपने पांचों प्रकार के रस छोड़े हैं, उसमें जीभ का भी रस आता है, यानी स्वाद का जो ग्रंथि है, स्वाद का रस नहीं ले सकता। वो स्वाद का कोई डिमांड नहीं कर सकता। वो खाना मांगने जाएगा, खाना मांगेगा, खाना मांगने का नियम विनय में फिक्स है। जो खाना मिलेगा उसे बिहार में लेके आएगा, बिहार नहीं है तो वहीं जो भिक्खु के साथ हैं उनके साथ में वो मिलके उसको मिक्स करके एक ही बर्तन में, कोई भी भोजन है, चाहे मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, कैसा भी है, उसको सबको मिक्स करेगा और जितना उसे खाने का जरूरत है उतना खाएगा, वो भी 12 बजे तक यानी, और उसके बाद में फिर वो खाएगा नहीं। तो इसमें स्वाद जो है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर भिक्कू स्वाद के राग में पड़ेगा तो फिर वो साधना नहीं कर पाएगा, व्यपसना नहीं कर पाएगा और वो निब्बान को प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसलिए 37 नंबर का जो नियम था वो टूटा, और उस नियम के टूटने की वजह से उन्होंने सींग में नमक रखना शुरू कर दिया। एक फोटो आप देखेंगे, अगर लेह में जाएंगे जो शंकर बुद्ध विहार है, शंकर बुद्ध विहार में जो बैठे हुए हैं, जिनको वहाँ शंकर बोलते हैं, उनके गले में भी एक सींग पड़ा हुआ है। जब वो बैठे हुए विपस्ना कर रहे हैं तो एक सींग पड़ा हुआ है, वो सींग इसी बात का द्योतक है कि वो नमक रख सकते हैं। जो महायानी या जो महासांगिक लोग हैं वो नमक का स्वाद लेने लगे थे, ये नियम टूटा था। हालांकि भगवान बुद्ध ने कहा कि आप छोटे मोटे नियम छोड़ सकते हैं। दूसरा नियम क्या था? दूसरे नियम का नाम है द्वा अंगुल कप। द्वा अंगुल कप का मतलब है दो उंगली का प्रैक्टिस। दो उंगली, कप माने प्रैक्टिस, द्वे माने दो और अंगुल माने उंगली। ये नियम था कि अगर एक लकड़ी जमीन में गाड़ी जाए बिल्कुल सीधी और सूरज उसके ऊपर आ जाए और उस लकड़ी की छाया दिखनी बंद हो जाए, यानी जमीन पर उसकी छाया ना दिखे, उसके बाद जब दोपहर के साइड में सूरज आगे बढ़े और उसकी छाया बननी शुरू हो, तो वो छाया 2 उंगल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 2 उंगल हैं, यानी लकड़ी में डाली तो 2 उंगल से ज़्यादा छाया नहीं आनी चाहिए। अगर 2 उंगल से आगे छाया आ गई तो भिक्कू खाना नहीं खाएगा। यानी कि उस समय घड़ी नहीं होती थी, जैसे आज की टाइम में हम कहते हैं कि भिक्कू या भिक्कुणी 12 बजे के बाद खाना नहीं खाते या नहीं खाएंगे। उस समय घड़ी नहीं थी, तो उस समय एक लकड़ी गाड़ देते थे, सर के ऊपर बिल्कुल छाया आ गई या आप जैसे खड़े हो गए, छाया अगर नहीं दिखाई देती है तो ठीक है, और अगर छाया आ गई और 2 उंगल हो गई तो उसके बाद में फिर उसको विकाल बोलते थे, यानी कि काल से परे, समय से परे। तो समय से परे खाना नहीं खाया जा सकता था, मगर वज्जी भाग के भिक्कुओं ने 2 उंगल के बाद में खाना शुरू किया, तो 2 उंगल होने के बाद भी वो खाना खाते थे, यानी कि विकाल भोजन करने का जो व्रत था, जो नियम था, जो विनय था, ये भी पाचित्य था। पाचित्य का मतलब इसका प्रायश्चित हो सकता था सभा के अंदर, उपोषद के अंदर, वो उन्होंने तोड़ दिया और वो खाना खाने लगे। इससे जो नियम टूटा और जो गंभीर बात हुई, वो सबसे ज़्यादा गंभीर बात ये हुई कि भिक्कू और भिक्कुण को अगर निर्वाण प्राप्त करना है तो उनको खाने की सही मात्रा का ज्ञान होना चाहिए। जो लोग विपस्सना करते हैं वो जानते हैं कि 12 बजे के बाद खाने की जरूरत ही नहीं होती, यानी कि 12 बजे से लेकर और सुबह 5 बजे तक खाना नहीं भी खाते हैं तो शरीर बिल्कुल ठीक रहता है, कहीं कोई खाने की आवश्यकता नहीं है। ये विकाल भोजन भिक्कुओं और भिक्कुणियों के लिए नहीं था, उनके कोई शारीरिक एक्सरसाइज भी नहीं थी, कोई वो बहुत ज़्यादा वर्जिश या एक्सरसाइज नहीं करते, वो सिर्फ साधना करते हैं। तो अगर खाने की मात्रा नहीं जानेगा, और खाने की मात्रा के ऊपर तो भगवान बुद्ध ने बहुत सारे सूत्र दिए हैं, तो खाने की मात्रा नहीं जानेगा तो इसका मतलब खाने का जो राग है, जो खाने के प्रति लगाव है और जो खाने के प्रति उसकी इच्छा है, वो तो कंट्रोल हुई नहीं। और अगर जब वो कंट्रोल नहीं हुई तो वो अपने राग को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और जब राग को कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो फिर राग उसको कंट्रोल करेगा, राग फिर उसके ऊपर हावी हो जाएगा, उसे हर समय भोजन दिखाई देगा और वो निब्बान को प्राप्त नहीं हो सकता, वो शुद्ध नहीं हो सकता, वो शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए ये 37 नंबर का जो नियम था, पाचित्य नियम, ये तोड़ा और ये बड़ी गंभीर बात थी। तीसरा जो नियम उन्होंने तोड़ा उसका नाम है गामंतर कप। कप का मतलब है प्रैक्टिस, गाम का मतलब है विलेज या गांव, और अंतर माने हैं गांवों में के बीच में,
जो डिफरेंस आया, जो अंतर आया है, वो क्या अंतर है? भिक्कू एक गांव में पिंडदान जो उनको प्राप्त होता था, भोजन दान जो प्राप्त होता था, उसको करने के बाद में दूसरे गांव में नहीं जा सकते। जो उस गांव में मिल गया मिल गया, अगर नहीं मिला तो दूसरे गांव में नहीं जा सकते, चाहे मिला या नहीं मिला, ये नियम था। उस दिन वो फिर व्रत रहेंगे, भोजन से खाना नहीं खाएंगे। मगर वज्जी भाग के भिक्कुओं ने अगर एक गांव में भोजन मिला या नहीं मिला या वहां उन्होंने भोजदान किया तो भी वो दूसरे गांव में चले जाते थे, यानी गांव का उन्होंने अंतर करना शुरू किया, बदलना शुरू किया। ये नियम पाचित्य नियम में आता है और ये विनय के 35 नंबर का जो नियम है पाचित्य का, वो उन्होंने तोड़ा। ये भगवान बुद्ध ने साफ साफ नियम बनाया था कि क्यों, क्योंकि भगवान बुद्ध ने भोजन की मात्रा का सही जिक्र कई बार किया है। अगर आप भोजन में संयत नहीं रह सकते, भोजन में आपको पेशेंस नहीं रह सकता, आपका बिहेवियर भोजन में, आपका मन 24 घंटे लगा रहेगा, तो आप ध्यान साधना या विपस्ना या मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे और फिर अपने आप को नहीं जीत पाएंगे, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अविजित नहीं हो सकते। अगर एक भिक्कू को खाना नहीं मिला गाँव में और वो दूसरे गाँव में जाएगा, इसका मतलब कि वो भोजन के लिए बहुत ज़्यादा लालायित है, भोजन के लिए बहुत ज़्यादा उसको आवश्यकता है। 24 घंटे 48 घंटे तक मनुष्य उसके बाद तक भी पानी पी के रह सकता है, उसका कुछ नुकसान नहीं होता, ऐसा विपस्ना के थ्रू सभी भिक्कू जानते हैं और आजकल डॉक्टर भी कहते हैं। अगर मन में कंट्रोल है और कोई शारीरिक एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, कोई अच्छी कोई हेल्दी एक्सरसाइज जिम में या कहीं कोई मेहनत का काम नहीं कर रहे हैं, तो भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शरीर में इतनी ऊर्जा होती है कि वो पानी के सहारे भी, बिना पानी के भी 2-3 दिन और पानी के सहारे 7-8 दिन भी शरीर को चला लेता है। इसलिए सही मात्रा जानने के लिए ये नियम 35 नंबर का बहुत ज़रूरी था, जो कि वज्जी भाग के भिक्कू ने इसको तोड़ा और वो खाना ना मिलने पे या मिलने पे वो दूसरे गांव में भी जाने लगे, जो कि एक प्रायश्चित करने का दोष था, पाचित्य दोष था। आवास कप का जो दोष है ये 4th नंबर का है, जैसा कि इसके शब्द सार में जाता है, आवास और कप। आवास माने जहाँ वो रहते हैं और कप माने उसकी प्रैक्टिस। हुआ यूं कि जो वज्जी भाग के भिक्कू थे, उपोषत के दौरान में, उपोषत क्या होता है, उपोषत वो होता है कि जहाँ भिक्कू या भिक्कुणी या उपासक एक विहार में या एक जगह या जहाँ वो जाते हैं वहाँ आरसी लेते हैं और उनको वहीं रहना होता है एक दिन के लिए और वहीं वो साधना विपस्ना करते हैं, उस जगह को वो बदल नहीं सकते उस दौरान में। अगर आपने एक उपोषत के लिए, सपोज जैसे आपका महाराष्ट्र के अंदर आपका कहीं कोई शहर है और वहाँ कोई बिहार में आप जाके उपोषित कर रहे हैं या दिल्ली के अंदर कर रहे हैं या बंगाल के अंदर किसी बिहार में उपोषित कर रहे हैं, और आपको ऐसा है कि मैंने यहाँ उपोषित आरंभ किया और अब मैं इसको बदल के दूसरे बिहार में जाऊँ, तो ऐसा नियम भगवान बुद्ध ने नहीं बनाया था। क्योंकि उपोषित में आपको 24 घंटे पूरी विपस्ना करनी है, अगर आप आवास बदलेंगे तो फिर इसका मतलब यह है कि आपका उपोषित में विपस्ना में ध्यान नहीं है। ये नियम बहुत ज़रूरी था विपस्ना के लिए और मन को शुद्ध करने के लिए, मन को साफ करने के लिए, जो कि ये बताता है कि भिक्कू का मन कितना विचलित है, कितना नहीं है। वज्जी भाग के भिक्कुओं ने और भिक्कुणों ने इसको तोड़ा। 5वां जो नियम उन्होंने तोड़ा वो था अनुमति कप। जैसा कि नाम से ही पता है, अनुमति का प्रैक्टिस, किसकी अनुमति? संघ में और बिहार में जो भिक्कू रहते थे उन्होंने जो भी काम करना होता था उसकी सबसे पहले वो अनुमति लेते थे। ऐसा विनय का नियम है कि आपको जो उम्र में बड़े भिक्कू हैं या भिक्कुणी हैं उनसे आपको पहले वो काम बताना पड़ेगा, अगर वो उसको अलाउ करेंगे, परमिट करेंगे, अनुमति देंगे तो फिर वो आप काम कर सकते हैं। मगर वज्जी भाग के भिक्कुओं ने काम वो पहले करते थे, अनुमति बाद में लेते थे, यानी कि कई बार अनुमति ली या कई बार नहीं भी ली। ये नियम बहुत ज़्यादा गंभीर नियम था क्योंकि इससे संघ के जो नियम थे, जो रूल्स और रेगुलेशन थे, जो डिसिप्लिन था, वो ख़राब होता था और आपके अंदर एक मान का और सम्मान का और जो अभिमान का या एक तरह से कहें अपमान का, वो सारे के सारी भावना जागृत होती हैं। आपने भिक्कू संघ के बड़े भिक्कू की अनुमति नहीं ली, इसका मतलब आपने अपने आप को बड़ा मान लिया और उनको छोटा मान लिया, तो अपमान हो गया। और आपके छोटे ने अगर आपसे अनुमति नहीं ली तो आपका अपमान हो गया। ये परंपरा भिक्कू संघ में, सावक संघ के अंदर डिसिप्लिनरी एक्शन में आती थी और ये जो नियम तोड़ा, ये नियम संघ को खराब करने वाला नियम था, क्योंकि हर एक विषय पे संघ से विचार करना और संघ की जो वरिष्ठ लोग थे
उम्र के हिसाब से जिन्होंने संघ में पहले प्रवेश किया है उनकी अनुमति लेना डिसिप्लिन के हिसाब से, अनुशासन के हिसाब से बहुत जरूरी है और माना गया था। छठे नंबर का जो नियम है उसको बोलते हैं आचीर्ण कप। आचीर्ण कप का मतलब है, आचीर्ण का मतलब है आचार संहिता, यानी कि जो नियम वहाँ फॉलो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, कोड के हिसाब से है या नहीं है, जो बिहेवियर कंडक्टिंग कोड है जिसको आचार संहिता बोलते हैं उसकी प्रैक्टिस। हुआ यूं कि जो वज्जी भाग के भिक्खु थे उसमें जो सीखने के लिए नए नए सामनेर आ रहे थे या सामनेरी आ रही थी, उन्होंने क्या किया कि जो विनय के नियम हैं उनकी अनदेखी करते हुए उन्होंने ये बात माननी शुरू कर दी कि हमारे जो आचार्य हैं या जो हमारे जो भिक्खु बड़े हैं या भिक्खुनी बड़े हैं जो वो कर रहे हैं वो ठीक है, यानी कि लकीर की फकीरी उन्होंने आरंभ कर दी। सिद्धांतिक रूप से उन्होंने कोई बहस नहीं की, ना ही इस बात के लिए कहा कि भाई आचार्य जो आप कर रहे हो वो ठीक है या नहीं है, विनय के नियम के अनुसार है या नहीं है, क्योंकि विनय के नियम में आप भिक्खु में या भिक्खुणी को ये बता सकते हैं कि भिक्खु और भिक्खुणी चाहे बेशक आप सामनेर हैं या उपासक हैं या साधारण व्यक्ति हैं या उपासक भी नहीं है कि भाई आपके नियम में ये है और ये नियम ऐसे है, उनको जगा सकते हैं। हो सकता है कोई भिक्खु कोई भिक्खुणी मन से बड़ा कमजोर रहा हो और वो संघ में आ गया हो और वहाँ वो अपने मन के अनुसार प्रैक्टिस कर रहा हो, तो उपासक की उपासिका की अन्य भिक्खुओं की उन सबकी ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि वो बताए बार बार कि ये विनय के नियम के अनुसार नहीं है। ये लकीर की फकीरी आने से संघ खराब होना शुरू हो गया, इसलिए ये दोष सबसे ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि आलार कलाम सूत्र में खुद बुद्ध ने ये बताया है और ये एक राइट दिया है सभी को, ये अधिकार दिया है कि सभी इस बात को देखें, चाहे उपासक हैं या उपासिका हैं, चाहे वो सामनेर हैं सामनेरी हैं, चाहे वो अनागारिक हैं चाहे वो भिक्खु हैं चाहे बड़े भिक्खु हैं भिक्खुणी हैं या बड़ी भिक्खुणी हैं महाथेरा हैं थेरा हैं जो भी हैं, वो सब इस बात को देखें कि जो बात बताई जा रही है क्या वो सबके भले के लिए है, क्या वो तर्क की कसौटी पे सही उतरती है, क्या वो जितने भी प्राणी जगत में हैं उनके भले की है या नहीं है। इस सूत्र के तहत में सभी के पास अधिकार है, उपासक उपासिकाओं को भी लकीर की फकीरी पर नहीं चलना चाहिए। आचार्य कई बार गलत भी हो सकते हैं, उनको रोकने का अधिकार भगनमान बुद्ध ने, भंगी बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने, सुगत ने बहुत अच्छे से दिया हुआ है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे सम्राट अशोक ने इस्तेमाल किया और सारे भिक्खु संघ में जितने अलग अलग थे उन सबको इकट्ठा किया और जिनके जिनमें बहुत ज़्यादा दोष था जो पाप का काम करते थे उनके सबके चीनर वहाँ छीने और लोगों में ये बताया कि ये लोग करप्ट हैं, ये लोग ठीक नहीं हैं, ये लोग पापी हैं, दोष सहित हैं ये लोग। ऐसे ही भिक्खु और भिक्खुणी को भी आज जितने उपासक हैं उनको बार बार बताते रहना चाहिए, समझाते रहना चाहिए, दिखाते रहना चाहिए, ये जरूरी है ताकि धम्म और संघ शुद्ध रहे और पूरी दुनिया का भला करता रहे। नंबर 7 में ए मथित कप। जैसा कि शब्द सार में आता है ए माने नहीं, मथित माने मथना और कप माने प्रैक्टिस। हुआ यूं कि कुछ जो भिक्खु थे जो सामने थे वज्जी भाग के भिक्खुओं के, उनके लिए जो भोजन आता था उसमें वो जो दूध होता था उसको वो जमाते थे और जमा के दही के रूप में खाते थे। कुछ भिक्खुओं ने जो वज्जी भाग के भिक्खु और भिक्खुणी थे उन्होंने दूध को बिना मथे ही, यानी कि दही बना नहीं और दूध है नहीं, ना दूध है ना दही है, उसके बीच की जो पोषण है तभी उसको वो सेवन करने लगे, उसको खाने लगे। जबकि ये जो पाचित्य का नियम नंबर 35 था 35 उसके विरुद्ध था, क्योंकि भगवान बुद्ध ने साफ साफ कहा है कि भोजन का संयम होना चाहिए। अगर भिक्खु और भिक्खुणी को इतना भी संयम नहीं है कि दूध का पहले दही बन जाए तब इसको खाएंगे, इसका वेट करें, इसका इंतजार करें, तो इसका मतलब है कि वो अपने राग और द्वेष को दूर नहीं कर सकता, और अगर वो अपने राग और द्वेष को दूर नहीं कर सकता तो फिर उसे उपासक और उपासिकाओं को भी समझाने में दिक्कत आएगी, जिससे संघ कमजोर होगा, धर्म कमजोर होगा। ये नियम बहुत गंभीर नियम था ए मथित कप का, तो ये नियम नंबर 7 है। 8वां नंबर का जो नियम है उसका नाम है जलो गिम्पा तुम। जलो गिम्पा तुम, यहाँ ये जो जलो गिम्पा है इसमें जो शब्द है जलोगी, मगध के क्षेत्र के अंदर वहाँ पर एक पेड़ मिलता है, वो पेड़ लंबा है, ताड़ का पेड़ उसको बोलते हैं, उस पर कोई फ्रूट तो नहीं आता, मगर अगर उस पर एक नाली सी बना दी जाए और एक हांडी टांग दी जाए, एक बर्तन टांग दी जाए,
तो रात भर उसमें एक रस गिरता रहता है, पानी गिरता रहता है, जिसमें ग्लूकोज होता है, जिसमें शक्कर होती है, चीनी होती है। उसको अगर पी लेते हैं ताज़ा ताज़ा, तो वो मीठा होता है और वो रस की तरह काम करता है और वो पेट को भोजन भी देता है। मगर यदि उसको अगर थोड़े समय के लिए रख के छोड़ दें और उसके अंदर फर्मेंटेशन होना शुरू हो जाए, तो फर्मेंटेशन होने से उसके अंदर एल्कोहल बन जाता है और वो हल्का सा नशीला हो जाता है। ताज़ा पीने में कोई दोष नहीं है, मगर अगर उसे रख के पीते हैं, उसको ताड़ी बोलते हैं जो रख के पी जाते हैं, ताड़ी में नशा होता है, ताड़ी वहाँ आज भी बिकती है, तब सुरामेर मज्जे वाला जो विनय का नियम है, विनय का नियम नंबर 51, वो टूटता है। जो वज्जी भाग के भिक्खु थे, उन्होंने जो ये जलोगी थी इसका पान करना शुरू किया, इसलिए इसका जो नाम था जलोगी, जलोगिम्पा तुम करके नाम पड़ा। और ये दोस्त बहुत ज़्यादा गंभीर दोस्त था, क्योंकि पंचशील के नियमों को सीधा सीधा चैलेंज था, पंचशील के नियम सीधे सीधे टूट रहे थे। इसलिए पंचशील का नियम अगर टूटता है तो पूरा धम्म और पूरा संघ ही टूट जाता है। ये नियम सबसे घटिया नियमों में था कि जलो गिम्पा पान किया जाए, वो भी थोड़ी देर बाद रखकर। ताज़ा पीने में कोई दोष नहीं था, ये था पाचित्य का दोष 51। नौवें नंबर का जो नियम है उसका नाम है अदसिक निषिदन। अदसिक निषिदन सदसार में जो अदसिक है, ए माने नहीं, और दसिक माने होता है रोएदार, गोटेदार, मुलायम, इसको बोलते हैं। और निषिदन का मतलब है बैठने की, बैठना या गद्दी, बैठने की गद्दी। हुआ यूं कि कुछ भिक्कुओं ने मेडिटेशन के लिए, विपस्ना के लिए, साधना के लिए, और या देशना देते समय अपने लिए गोटे वाली चमकदार, रोएदार, आराम वाली गद्दियां बनवानी शुरू कर दी। निषिदन का मतलब है आसन, बैठने के लिए जो आसन है वो बनवाने शुरू कर दिए। ये सीधा सीधा जो 79 जो नियम था विनय का, जिसमें महायान और उच्चयान जो सेना है, महासेना, उच्च सेना, महासेना का मतलब है महा माने बड़ा, सेना माना है सोना के लिए सामान, और उच्च माने ऊंचा यानी ऊपर। इस 79 नियम के अनुसार आप किसी भी हालत में आपको नीचे सोना पड़ेगा, और आपका जो बिस्तर है बिल्कुल सिंपल होगा, दरी, और ऊंचा गद्देदार, रोएदार, बढ़िया, आरामदायक नहीं होगा। जो वज्जी भाग के भिक्कू थे और भिक्कुनियाँ थीं, उन्होंने अपने बैठने के लिए और सोने के लिए रोएदार, गोटेदार, बढ़िया चमकदार, ऊंचे सराहने और ऊंची गद्दियाँ उन्होंने रखनी शुरू कर दी, जो कि विनय के नियम का सरासर उल्लंघन था। ये था नियम नंबर 9। दसवां जो अंतिम नियम है जो वज्जी भाग के भिक्कुओं ने अपनाया था, वो था जात रूप रजत। इसमें जो जात रूप है इसका मतलब होता है सोना। जात का मतलब है जन्म, जन्म के समय जो रूप होता है वो सुनहरा होता है, बच्चे का गोल्डन होता है, तो उसको उन्होंने सोने चांदी के व्यवहार में, और रजत माने जो होता है वो चांदी, यानी कि उन्होंने सोने चांदी का व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो जो उपासक थे या जहाँ राजा है या कोई व्यापारी है या जो भी जहाँ धम्म देशना के लिए जाना है, आना है, या बिहार में कोई आया है या उपोषित है या दान है, उन्होंने सोना चांदी और रजत लेना शुरू कर दिया। जबकि कैश के लिए, सोने चांदी के लिए, पैसे के लिए भगवान बुद्ध ने, भंगी बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने बिल्कुल स्पष्ट मना किया था। इसके मना करने के पीछे एक स्पष्ट कारण था कि समाज जो है, जो उपासक हैं, जो उपासिका हैं, वो भिक्खु की जीवनचर्या की जितनी कम से कम आवश्यकता है उसको पूरा करेंगे, और उनके बदले में जो भिक्खु संघ है या भिक्खु और भिक्खुणी है वो उनको एजुकेट करेंगे, शिक्षा देंगे, पढ़ाएंगे। ये पढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी था कि पढ़ाने वाले के मन में जिसको वो पढ़ा रहा है उससे कोई लालच ना आ जाए। अगर पढ़ाने वाले के यानी टीचर के मन में ये लालच आ जाता है कि मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ उससे मुझे कुछ लेना है, सोना चांदी, पैसा, कोई गिफ्ट या खाना वाना जो भी कुछ लेना है, और ये लालच अगर उसके मन में आ जाएगा, तो वो जो लोग उसको पैसा देंगे, जो लोग उसे सोना चांदी देंगे, जो लोग उसे कैश देंगे, जो लोग उसे सामान ज़्यादा देंगे, उन पर वो ज़्यादा ध्यान लगाएगा, उनको वो ज़्यादा पढ़ाएगा,
और जो लोग उसको पैसा नहीं दे पाएंगे, सोना चांदी नहीं दे पाएंगे या उसको खाना अच्छा नहीं दे पाएंगे, उनको वो अच्छा नहीं पढ़ाएगा। इससे एजुकेशन सिस्टम खराब हो जाएगा और देश की तरक्की रुक जाएगी और देश दुनिया का गुलाम हो जाएगा। ये ऐसा जान के भगवान बुद्ध ने, भंगी बुद्ध ने, क्योंकि उनका तो बहुत महान विचारक हैं, दुनिया को देखा, दुनिया को जानते थे, वो तो पूरा सम्यक संबुद्ध थे, सब कुछ जानते थे। तो इस नियम को उन्होंने खास तौर से बनाया था कि कोई भी टीचर कैश का, नगद का, सोने चांदी का, गिफ्ट का नहीं लेगा, और अगर कुछ मिलता है तो संघ अगर उसको कहेगा कि ले ले इसको, संघ की अनुमति होगी तो वो लेगा और वो संघ के कोष में, संघ के खजाने में चला जाएगा, उसको नहीं मिलेगा। संघ को जब आवश्यकता होगी उसको खर्च कर लेगा या जिसको देना होगा वो दे देगा। मगर वज्जी भाग के जो भिक्कू और भिक्कुणी थे, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सोने चांदी का व्यवहार करना शुरू किया, लेना देना शुरू किया। इससे एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ा गया और ख़त्म हो गया। अगर धम्म का और संघ का, विनय का जो अनुशासन है, अगर वो गड़बड़ा जाएगा तो धम्म आगे नहीं बढ़ेगा, संघ आगे नहीं बढ़ेगा, तो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। ये बहुत दूर की कौड़ी थी जो भगवान बुद्ध ने सारे नियम ये बनाए थे। ये सारे नियम राष्ट्रहित के और देश हित के थे, इसीलिए उस समय बहुत ज़्यादा देश सबसे आगे था। ये दसवां नियम था। ये दस नियम नहीं मानने से जो भिक्खु संघ था उसके दो टुकड़े हुए, एक महासांघिक बना और एक हीयान बना। हीयान परंपरागत वो है जो 227 नियम भिक्खुओं के और 311 नियम भिक्खुओं के आज भी मानता है। धन्यवाद। सिंगी लोण कप, सींग नमक प्रैक्टिस, द्वा अंगुल कप, दो अंगुली का प्रैक्टिस, गामंतर कप, गांव में दो गांव के अंतर में जाना उसकी प्रैक्टिस, आवास कप, आवास बदलने की प्रैक्टिस, अनुमति कप, आज्ञा लेने की प्रैक्टिस, आचरण कप, आचार संहिता का प्रैक्टिस, अमथित कप, बिना मथे की प्रैक्टिस, जलो गिम्पा तुम, पेड़ से प्राप्त ताड़ी को पीने की प्रैक्टिस, अदसिक निशीदन, किनारी वाले गोटे रोएदार अच्छे सुसज्जित आसन पर बैठने की प्रैक्टिस, जात रूप रजत सोने चांदी की प्रैक्टिस, अनुमति कप, अनुमति लेने की प्रैक्टिस।